जहां अन्याय हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सिखाया है, जहां अन्याय हो उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और अपराध बढ़ गए हैं, अपहरण उद्योग खुला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। और योगी सरकार को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। थानों में मृत्यु हो रही है, जेलों में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हो गई, जज को छुपना पड़ा, और आगरा में बार काउंसिल की अध्यक्ष की हत्या हो गई, और जेलों में कार्रवाई चल रही है, नरसंहार हो रहे, पांच पांच लोगों के नरसंहार, आठ आठ लोगों के इकट्ठा नरसंहार हो रहे। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है, और ये परिवारों के साथ में दलित बैकवर्डों, अल्पसंख्यकों के साथ में जो अन्याय बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम पिछड़े वर्ग प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किए हैं, और कानून व्यवस्था में भी माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला योगी जी, जो कानून व्यवस्था बहुत खराब है, और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने के आंकड़े और योगी जी के आदित्यनाथ के आंकड़े बताते हैं, अपराध में एक नंबर पे देश में, एक नंबर पे प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया है। हत्या में, लूट में, डकैती में, लॉकअप में मृत्यु, फर्जी इनकाउंटर, ये हम नहीं बता रहे फर्जी इनकाउंटर, इनके भारत के गृह मंत्री ने रिपोर्ट रखी है सदन में, पार्लियामेंट में, कि 17 फर्जी इनकाउंटर हुए। और जो दर्जी बिरादरी के, जो बाजिद अली उर्फ ननहके के जो हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 25 लाख रुपए दिए जाएं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख की घोषणा भी कर दी है। जैसे ही इधर संदेश गया, माननीय अखिलेश यादव जी को पता लगा, उन्होंने कहा हमारी पार्टी 1 लाख रुपए देती है और 25 लाख की मांग करती है, और दोषी जो प्रशासन के लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिस तरीके का अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पुलिस बर्बरता पर बता रही, हम जैसे विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को जिस बर्बरता से गिरफ्तारी की है, अंग्रेजों की हुकूमत में भी नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी, ना सड़क पे भी आंदोलन करेगी, सदन में भी करेगी, और आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश की जेलों को भरने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ते रहेंगे, और जिस वर्ग के साथ में अन्याय होगा उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। धन्यवाद।